तो अभी हम इमरजेंसी तो नहीं है, जैसे हमारे घर में वो शादी स्टार्ट हुई है तो हमें घर में जाना पड़ा है। किधर कसूर, कसूर हमने कोई गिफ्ट देने थी वो रह गया थी। मैंने कहा क्योंकि फिर कल जैसे बारात है आगे फिर वो वलीमा है तो ऐसे ये गिफ्ट जो है आज वो देने चाहिए। तो अभी हम निकले, शाम को फिर दूसरी मेहंदी है वो भी देखेंगे। पहले वाली मेहंदी की तो अभी तक मैंने वो लगाई नहीं, वो सारे उधर गाना बजाना था वो अभी सही करने वाली, वो सही नहीं की। वो सही करके वो भी इंशाल्लाह अपने बीबत को वो भी दिखाऊंगी। मेहंदी का भी बहुत धूम धमाके के साथ मेहंदी थी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी हम निकले हैं, जा रहे हैं कसूर। तो एग्जैक्टली पीपल हम पहुंच गए हैं घर। तो और इधर से इधर बेबो साहबा भी बैठी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हुई कैसे हैं आप सब? ठीक है? हम अभी अभी सो के उठे हैं, बाजी शॉपिंग करके भी आ गई। नहीं शॉपिंग तो पहले दी है, पहले की थी शॉपिंग, पहले दी की अच्छा, थी तो मैं बस उसको टाइम ही नहीं मिल रहा थी। फ्रेश हो के आ गई, हम अभी ऐसे ही बैठे। मैं फ्रेश हो के आ गई, मैंने पता नहीं, मैं क्या मैं सरप्राइज ही देना, हम सुखिया भी उन्हें जाके पढ़ना है। ऐसे उठ उठते गए हैं ना सुता, मैं पहले सुतिया भी उन्हें मैं के जा पहले आके हम उठ के बैठे हुए थे। हां जी हां जी, कैसी कैसी गुजरी रात मेहंदी, कैसी रात को गुजरी? जबरदस्त मेहंदी जी, जबरदस्त गुजरी है। तो इंशाल्लाह वो काफी जो है ना उसमें काम करने वाला अभी उसको करके करने वाला है करके वो इंशाल्लाह। तो मैंने जो एडिट किया है ना, मैंने 2 घंटे लगाए हैं ब्लॉग एडिट करने अच्छा, में ठीक तो है। मैंने तो अभी छेड़ा भी नहीं उसको, देखा भी नहीं मैंने छेड़ दिया। हाँ जी, तो ऐसे ही कुछ गिफ्ट थे वो साथ में, अपनी बीबत को बताने भी लगी। वो मैंने कहा वाला थोड़े से शॉर्ट लगाए हैं, बोलो छोटा सा लगाया है। वो अच्छा। पूछ रहे हैं किसकी शादी है, तो किसका निकाह हुआ है। अभी ये मैं अपनी बीबत को बताऊंगी, ये हरून मैं बताती हूँ किसकी शादी चलो आप थी। बता दो। शादी थी जो बाजी का बेटा है हरून, उसकी जो मिसिज है उसके छोटे भाई उसे छोटा के साले की, उनके साले की, ये उनके साले की। तो पहले वो मेरा भांजा है, बाद में साला बन गया तो इसलिए पहले भांजा के मैं साला समझ के नहीं लेके आई मैं भाई। असी नहीं क्या साला बिलकुल भी नहीं क्या, असी तो दस्या है भी लगता है बस। चलो जी अभी मैं थोड़े से गिफ्ट लाई हूँ, अभी रूच जो है वो चली गई है लाहौर, मैंने कहा था वो भी साथ होगी तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, वरना वो नहीं है। चलो खैर अभी मैं ये अकेली जो है ना सारा काम करूंगी। रू जो वो छोटी तंग कर रही थी, लियाना वो तंग कर रही थी, इसलिए वो उधर चली गई। यहाँ बाजी बाजी कुछ गिफ्ट लेके आई है, अभी बाजने वाली है उस्मान की शादी के गिफ्ट, तो हम भी देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। शुरू हो जाओ, चलो जी शुरू हो जाओ, ब्रेक नहीं लगानी। चलो जी, नहीं 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 ब्रेक नहीं लगती। ये सूट है दुल्हन के लिए, पता नहीं अभी मेरी बहन को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैंने तो अपने लिए बहुत अच्छा बच्चियों ने चॉइस करके खरीदा है। खोल के दिखाने, खोल के दिखाने के बस ऐसे ही रखना है। सही है, पैकिंग दिखा दे, फिर पैकिंग ये खुद ही करेंगे, पैकिंग फिर मैं कर दूंगी। अच्छा, टेल वाली है ना लॉन्ग थोड़ी। अच्छा अच्छा, बैक साइड थोड़ी सी। हाँ जी थोड़ी ये राउंड में ना, राउंड में। हाँ जी टेल वाली, इसका भी ये जबरदस्त फुल बैक से एम्ब्रॉयडर्ड है, ये बहुत प्यारा है। समरीन ही पैक करेगी, मैं इतना नहीं इसको करूंगी तो बेटा। बस ऐसे ही आप इसके ऊपर ही पड़ा रहने दे, इधर को कर दें फिर मैं कर दूं। हां इधर पड़ा है ये इसके दुपट्टे, ये इसके पास में। हां जी ये बात जबरदस्त। अगला फिर नेक्स्ट ये दूल्हे का है तो उतार कच्ची हुई है।
ये जरा थोड़ा सा मैंने कहा दोनों का मैच हो जाएगा। हाँ जी खूबसूरत है, ठीक है, बहुत प्यारा। अभी क्या करूँ, वो दूसरे बंदे का क्या करूँ? ये मजीद भाई का, ये उसके पापा का है, पापा का है, दूल्हे के पापा का, दूल्हे का पापा का है। और दूल्हे की मामा का जो है, दूल्हे की मामा का जो है वो भी कर लेते हैं। दूल्हे की मामा हमारी बहन है, तो तेरा उधार कर लेंगे। ये जी बलाल का है, अच्छा, भाई का, ये दूल्हे के भाई का, जबरदस्त। अभी जो बड़ा गिफ्ट अभी वो दिखाऊं, बड़ा गिफ्ट अभी बाकी वो भी देख लो, आपने लड़की के लिए लेनी थी, मैंने कहा क्यों भांजा पहनेगा, लड़की के लिए भेज देगी, जो उसकी किस्मत में होगा वो मिलेगा। नहीं बस मैं खाना अच्छा करके आया, तो भी बता अभी हमारे लिए आगे चाय हम पियेंगे, इधर चाय बेबो के साथ, बेबो जी इंतजार, बेबो का नाश्ता जो है रेडी हो रहा है, क्योंकि इसने तरस तरस के खाना खाना है, तीन पहले ही बच गए हैं, तो मेरा तरस तरस के, फिर मैं राज राज के खाना। हम उठे जो लेट रात पूरी, तो हम सोए नहीं, सुबह हम लोग सोए, उधर से आके भी हम लोग तो बड़ी देर बाद सुबह सोए, अच्छा दो बजे मेरे ख्याल, दो ढाई बजे, फिर हम सोए नहीं, आके हम सुबह सोए, जो बच्चे सोए ने मेरे ख्याल, ये जी चार पाँच बजे नाश्ता करेंगे, तो फिर इन लोगों ने इधर उधर मुंह, अभी पता नहीं मुंह भी धोया कि नहीं धोया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर से तैयार होके तो आ गए हम सुबह के छह बजे को उठे, भाई इनका स्टमरा फिट है। फिर भी हम, मेरी जो आदत है ना, मैं सुबह नमाज के टाइम उठना ही होता है, जो मर्जी हो जाए उस वक्त के उठे हैं, बच्चों को उठाया, कुछ घर में कुछ चीजें चूजे, बच्चों को बोला है कि मैंने गाड़ी पे जाना, फिर गाड़ी नहीं होगी, पानी वगैरह लाना था बच्चे ने, वो लेके आए, तो फिर ऐसे नाश्ता करके मैंने कहा अभी जल्दी से हम चलते हैं वहाँ से होके, अभी हमने वापस जाना, फिर रात को हमने मेहंदी पे जाना, जो दूसरी मेहंदी है उस मेहंदी पे तैयार होना, अभी तो मैं सुबह का, ये तो मेरा सुबह का नाश्ता हुआ है, ये है इनकी सुबह की तैयारी, अभी इनकी होनी है फिर शाम की तैयारी, फिर हमने जाना है आगे लड़की वालों के घर मेहंदी लेके, जिम्मेदारी नहीं मेरा वे चला दिता। हां तो वीजा हम पहुंच गए हम अपनी शॉप पे, अभी हम थोड़ा सा इधर देखेंगे क्या मटीरियल है, काफ़ी तो कपड़े मेरे ख्याल में सेल हो गए हैं, अभी काम ही है और लाने पड़ेंगे, ऑर्डर किया हुआ है, मेरे पास कुछ दिनों में आते हैं कि और ये कलर हमारे पास रह गए हैं कुछ काम में, क्योंकि काफ़ी सेल हो चुके हैं, कुछ ये सूट ख़राब निकले हैं, ये दो इनकी तो कंप्लेन होगी ना फिर। हाँ जी ये कंप्लेन वापस दूंगी वो दुकान वालों को, तो ऐसे मौसम भी आज फिर बहुत अच्छा बना हुआ है बाहर, वो मिल तो लेंगे घर वालों को, गार्डन में काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जल्दी से आए हैं अभी हम जल्दी वापस जाएंगे, क्योंकि हमने जाना है मेहंदी पे, इधर तो सब लोग जो है शॉप पे लगे हुए हैं, इन लोगों को करने दो खेती बाड़ी का काम, तो हम चलेंगे, जब देखा ना गार्डन कितना प्यारा बन गया जी, फ्लावर वगैरह प्यारा लग रहा है। हाँ जी तो ऐसे अभी हम जाएंगे उधर अशोक के घर, ये मुझे दे दे, ये कीज नहीं लेनी, ठीक है फिर हम निकलते हैं यहाँ से, ऐसा इसी के साथ ही ब्लॉग का भी एंड करना है। हाँ। चले फिर निकले, ये मामा चाबियां भूल ना जाना, ये कुछ की ये वही कमरे की ना ऊपर की,
अच्छा वो वाली उसके कमरे की इसमें इतनी सारी चाबियां की मैं हां जी वो मिक्स ही होगी ना सर लगाई थी ना हमने एक एक उधर डाली थी तो आपने सारी इसको पकड़ा दी ये इसने पता नहीं अभी हम जल्दी से जाने वाले हैं वापस हमें और भी काम है इसके साथ व्लॉग का भी एंड करेंगे इंशाल्लाह रात को मेहंदी का जो वो लहदा बनाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे हमारे साथ रहना और देखते रहना बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आने वाले हैं मेहंदियों के बारात के वलीमे के इंशाल्लाह आप लोगों को साथ दिखाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ इंसान को मिलता रहता है कुछ और भी किसी का दिल करता है वो ऐसे करने को वो भी करता है तो आप ज़रूर शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना तो अभी हमें यहाँ से निकलने लगे हैं ओके अल्लाह हाफिज़।